पाकिस्तान का टेररिस्ट, 10 टेररिस्ट, हमारा इंडिया का 1 सोल्जारी काफी है। मैं सलीम, आप लोग देख रही है सलीम अठिया ब्लॉग। आज मैंने आप लोगों को पाकिस्तान और इंडिया की जिस लड़की के लेके प्रेम मोहब्बत इश्क के पाकिस्तान से इंडिया चला आया, वो भी नेपाल से, आज मैंने आप लोगों को सच्चाई बताऊंगा ये लड़की किस लिए आया है और कौन से काम के लिए आया है, हम आप लोगों को आज बताएंगे। उससे पहले आप लोग मेरे पेज को फॉलो करो और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, और आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो आप लोग देखिए। अलग अलग नाम से 3 आधार कार्ड बनाया वो लड़की, आज मैं आप लोगों को एक रिकॉर्डिंग सुनाएंगे, जो रिकॉर्डिंग हम आप लोगों को आज सुनाएंगे, ये रिकॉर्डिंग इंडिया को तुल पाल लगा दिया। आप लोग देखिए, मैं रिकॉर्डिंग आप लोगों को दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम, और कैसे हैं आप? बस मैं ठीक हूँ। और क्या क्या, कहाँ तक गाड़ी पहुँची अपनी, अपना मकसद पूरा हुआ कि नहीं हुआ? ताकि किसी को यकीन ना हो कि मैं जासूसी हूँ, जासूस करने आई हूँ। ये लड़की क्या बोला है, जासूसी करने के लिए आया है इंडिया में। आप लोग रिकॉर्डिंग ऑलरेडी सुना है, हम आप लोगों को और सुनाएंगे रिकॉर्डिंग, आप लोग देख लीजिए। बस ये बाकी भारत को बर्बाद करके छोड़ेंगे। इंडिया को क्या करोगे तुम, बर्बाद करो कैसे करोगे? मुझे तो नहीं लग रहा, क्योंकि तुम मीडिया वाले पूछते रहते हैं, तुम पता नहीं कैसे कैसे जवाब दे रही हो मुझे। फिर वो जैसे रेंडी लड़की इंडिया का एक बाल भी बका नहीं कर सकता है तू। और पाकिस्तान वाले एक बात कान खोल के सुन लो, पाकिस्तान वालों, जो आतंकवादी है, जो टेररिस्ट है, उसका कोई धर्म नहीं है, तुम लोग इंडिया को एक बाल उठा नहीं सकते, कुछ नहीं कर पाएंगे। हम लोगों का जो सोल्जर है, इंडिया का एक सोल्जर और पाकिस्तान का टेररिस्ट, 10 टेररिस्ट, हमारा इंडिया का 1 सोल्जारी काफी है। पाकिस्तान का 10 टेररिस्ट, 10 आतंकवादी और इंडिया का 1 सोल्जार हमारे लिए काफी है। इंडिया को धमकी मत दो। पाकिस्तान जाके तुम लोगों का ये हशर करूंगा, तुम लोगों को नानी याद आ जाएगा। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, जो सच्चाई है, सच्चाई हर समय हम सच्चाई के लिए लड़ूंगा, बुराई के लिए सच्चाई के साथ हम हर समय रहेंगे, सच्चाई के साथ हर समय हम रहेंगे, और बुरे के साथ हर समय लात मारेंगे, हम। फिलहाल अभी रखते हूँ, जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार।